हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज देव की पाठशाला के अंदर हम बात करेंगे आपके FIDIs के ऊपर, किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, किस तरीके से हमें वर्क करना है और किस तरीके से इनको फॉलो करना है। ये किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, ये किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रैप करते हैं आपके ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर से मतलब है इन्वेस्टर को, आप हो, मैं हूं, जो भी है। तो हम इन्वेस्टर है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब भी सड़क जिंदगी के अंदर एक चीज का ख्याल रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा जिंदगी में जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न आने की उम्मीद रहती ही रहती है। कम आएगा पर आएगा जरूर। पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट को लॉग इन करो वापिस अगेन, तो उसके अंदर आपको एक चीज लिखी हुई आएगी, सेबी की तरफ से गाइडलाइन है, 10 में से नो ट्रेडर आपके लॉस के अंदर है, 10 के अंदर से नो ट्रेडर लॉस के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी कह रही है। कारण क्या है इसके ऊपर बात करेंगे कि ऑप्शन बायर या आपके मार्केट के अंदर रिटेलर लॉस के अंदर क्यों रहते हैं इतने। तो सीधी सी अगर सिंपल तरीके से बात की जाए, सपोज करो ऑप्शन ट्रेडिंग को जाने दो साइड के अंदर, पहले इसी चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा लॉस क्यों रहते हैं। क्या यहां पर पैसा नहीं बनता? जी बनता है, और इतना बनता है कि इंसान की औकात से ज्यादा बनता है। क्या बनता है? इंसान की औकात से ज्यादा बनता है। ये बात बोल रहा हूं ना, चुभ रही होगी, चुभती है, चुभनी चाहिए, चुभेगी तभी तो कुछ होगा। इंसान की औकात से ज्यादा बनता है। बात आगे FIDI पे करेंगे, पर पहले मन तो टटोल लूं आपका, थोड़ा सा पक्का तो दूं ढंग से अच्छे से। क्या है कि हमारे राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी बनती है, तो जब तक वो पकेगी नहीं ना, स्वाद ही नहीं आएगा खाने में। क्या मतलब है? और उस खिचड़ी के अंदर, बाजरे की खिचड़ी बनती है, उस खिचड़ी के अंदर जब पक जाती है 2-2.5 घंटे, उसके बाद में उसमें घी और गुड़ डाला जाता है। तो इस वीडियो के बाद में जैसे खिचड़ी पका रहा हूं, उसके बाद में घी और गुड़ डालूंगा, तुमका मजा नहीं आएगा जब तक यहाँ इस खिचड़ी को पकाऊंगा नहीं। इसलिए पहले इस ये बात कर लेता हूं ताकि बाद में खिचड़ी खाने में मजा आए। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, और इतना बनता है कि आदमी की औकात से ज्यादा बनता है। अब औकात से ज्यादा किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए देव है, मैं अपने ऊपर लेता हूं, किसी के ऊपर नहीं लेता हूं, देव है, देव को मंथली 30,000 रुपए का पेमेंट मिलता है, देव किसी प्राइवेट जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, 30,000 रुपए मिलता है, 30,000 का हिसाब किताब समझते हो आप कि 1,000 रुपए पर डे, कितना? 1,000 रुपए पर डे। ठीक है, और इस 1,000 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इस 1,000 रुपए के लिए सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जगना पड़ता है, 6 बजे जगना पड़ता है। फिर साले कई जिंदगी के अंदर कई लफड़े होते हैं, 6 बजे जगो, तैयार हो जाओ, फिक्स 8 या 8:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाओ, फिर वहीं पर वही बसड़ होना। क्या है बसड़ होनी? कोई बॉस है तो वो 10 बातें सुनाएगा, अगल बगल के ये वो फलाना ढिमका, और ऐसे शाम के छह बजते हैं और बंदा घर पे आता है। 1,000 रुपए के लिए उसने अपनी जिंदगी के 7-8 घंटे दिए, 7-8 घंटे दिए हैं 1,000 रुपए के लिए, पर एक्चुअल में उसको यह मजा आ रहा है, 30,000 रुपए मंथ के अंदर उसको मजा आ रहा है, एक्चुअल में उसकी जरूरत है। पर वहीं पर मार्केट उसको अगर 10 मिनट के अंदर 1,000 रुपए दे देना, बंदे को मजा ही नहीं आता, वो अंदर से वो फीलिंग ही जनरेट नहीं हो पाती उसके अंदर कि उसे 1,000 रुपए मिल गए। ठीक है, उसे मजा कब आएगा कि उस 1,000 की जगह उसे 30,000 रुपए अगर मिल जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तब उसे मजा आएगा। मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही कुछ ऐसी ट्रेड हाथ लग गई कि 40-50 हजार रुपए लगाए और 30-40 हजार रुपए बन गए, तो उसे मजा आ जाएगा।
पर वो मजा भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, औकात से ज्यादा मिल गया साला, क्या औकात से ज्यादा मिल गया, औकात से ज्यादा मिल गया, क्योंकि औकात तो 30,000 मंथ की थी और यहां 30,000 रुपए 10.5 मिनट में मिल गए, तो औकात से ज्यादा चीज मिली हुई गड़बड़ करती है, औकात से जो चीज ज्यादा मिल जाती है वो गड़बड़ करती है। अब वो भाई साहब क्या करेंगे, इस 30,000 रुपए को रहने थोड़ी देंगे, अब तो वो अपने आप को इंडियन शेयर मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेडर वो बन चुके हैं कुछ पल के लिए, ठीक है, कुछ पल के लिए इंडियन शेयर मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। और अब वो ये करेंगे कि जब तक ये साला 30,000 रुपए, जब तक ये साला 30,000 रुपए औकात से ज्यादा बन गया, तो अब कम भी तो करना है ना, क्योंकि ज्यादा नहीं होगा ये अब, क्योंकि ये तो दाव लगा था, ये तो दाव लगा था, ये तो दाव लगा था, जो लग गया तुक्का लग गया। पर अब क्या करना है भाई, औकात से ज्यादा बन गई, वो कहते हैं ना कि कोई बात ऐसी हो कि बस पचाई नहीं जाए, जब तक मुंह से ना निकले 10 लोगों के पास तब तक तो पचेगी नहीं, तो ये 30,000 रुपए पचेंगे कैसे, क्योंकि औकात से ज्यादा बने। तो अब क्या होगा, जब तक ये 30,000 रुपए -10,000 में बदल ना जाए तब तक बंदा रुकेगा नहीं, तब तक बंदा रुकेगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि बंदे ने 30,000 रुपए डीमैट अकाउंट के अंदर प्लस के अंदर देख लिए, तो वो अब एक ट्रेड लेगा ही लेगा, कुछ भी कर ले, कोई रोक ले उसको, पर वो लेगा। लेने के बाद ये 20,000 होंगे, ठीक है। अब बंदे के, क्यों बंदा भाई साहब ट्रेडर बन चुका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का, 30,000 बनते ही वो अपने आप को ट्रेडर मान चुका है कुछ पल के लिए, शाम को उसकी दिमागी हालत कुछ और होगी, पर हाल फिलहाल मार्केट ओपन है, मार्केट चल रहा है, भाई साहब के अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए बन चुके हैं, तो इस पल तो वो बादशाह है। 30 के 20 होंगे, फिर भाई साहब एक ट्रेड और लेंगे इस 20 को 40 बनाने के लिए। अब उनके दिमाग में चल रहा है कोई बात नहीं, 20 हो गए, वापस 30 हो जाए एक बार तो बंद कर दूंगा साले को, फिर ये 20 के कहां से झटके से कहां आ जाएंगे, 8 या 10। ये आपकी कहानी नहीं है, हजारों की कहानी है, हजारों लोगों की कहानी है, ये लाखों लोगों की कहानी है। देख लेना कमेंट बॉक्स में जाकर, देवसाना के कई साथी हैं जो भी कमेंट करेंगे, सर आपने तो बिल्कुल रियल सच्चाई बता दी। अरे ये आप लोगों के सबके साथ होता है, आप लोगों के सबके साथ होता है, 8-10,000 रुपए रह जाएंगे, फिर एक ट्रेड और लेंगे और फिर माइनस में गाड़ी चली जाएगी, बस यहीं से साले उल्टे दिन हो गए, सोच भी बदल गई, अब सोच भी चेंज हो चुकी, इंसानी है, इंसानी मनुष्य का दिमाग कुछ इसी तरीके से पल पल के अंदर बदलता रहता है, इसका कुछ कंट्रोल नहीं है, इसका कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो लाडलों कुछ ऐसा था कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे औकात से ज्यादा मिलने के बाद में वो उसे पचाता नहीं है, औकात से ज्यादा मिलने पर वो उसे पचाया नहीं जाता, उसे पचाया नहीं जाता, पैसा भी नहीं पचता है उससे और ना खाना पचता है, खाना भी नहीं पचता। वो विरले होते हैं जिनसे पैसा भी पचता है, और वो विरले होते हैं जिनसे खाना भी पचता है, जो पचाना जानते हैं, और जो पचाना जानता है वो ही सस्टेन है। पचाएगा कौन, पचाएगा वही जो 5,00,000 रुपए डीमैट अकाउंट के अंदर रख करके 10,000 के प्रॉफिट में खुश होना जानता है कि हाँ मैंने आज 10,000 रुपए कमाए, और पचाएगा वही जो 5,00,000 रुपए 1 तारीख को डीमैट अकाउंट में रख करके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख तक इसको डबल होने पर, 2x होने पर खुश हो, संतुष्ट हो, वही पैसे को पचाता। वरना मार्केट के अंदर तो ऐसे ट्रेडर है जो 20,000 रुपए डीमैट अकाउंट में डालते हैं और वो बेचारे तब तक खुश नहीं होते हैं तब तक ये 40,000 रुपए ना हो जाए, सेम डे विद सेम डे, मंथ में तो इसको 1 करोड़ बनाना होता है, उनकी सोच होती है। हालांकि बनते नहीं, आज तक ही नहीं बना, टेंशन ना लो, आज तक ना बना है ना बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक सोच चेंज नहीं होगी लाडलों कुछ नहीं हो सकता। कई बार बताया है 20% में खुश होना सीखो, 15% में खुश होना सीखो, पर नहीं। आज उन ये एक्चुअल में क्या है, सुनो मेरी बात, कुछ नए होंगे उनको वीडियो थोड़ा अटपटा लग सकता है, तो लाडलों जब तक देव के 2 वीडियो ना देख लो ना, 2 वीडियो आपको
कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपको। मैं ऐसा बोलता हुआ ऐसा लग रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे ही मतलब बातें गोड़े रख सा रहा है, तो ऐसे लग सकता है आपको। पर मुझे महसूस करने के लिए लाडलू कोई से भी दो वीडियो उठाकर देख लेना, दो वीडियो उठाकर देख लेना मेरे, मैं समझ में आ जाऊंगा आपके। और फिर भी ना समझ में आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, क्या मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, और मैं किस जिस तरीके के लेवल देता हूँ, जिस तरीके की मार्केटिंग के अंदर बात करता हूँ, और जिस लेवल के ऊपर पूरे दावे के साथ बात करता हूँ, वो जाकर देख लेना तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर रोज लट की पावर के साथ लेवल हिट होते हैं। अगर बोल दिया 46,311 तो 11 मार्केट की औकात नहीं है। और ये कहते फिरते हैं ना कि मार्केट सुप्रीम है, ना मार्केट कहेगा सुप्रीम है, सुप्रीम तो हमारे महादेव है, मार्केट तो बच्चा है। पर एक्चुअल में क्या है, यूट्यूब पे कई तरीके की आपके यूनिवर्सिटी चलती है, YouTube पे कई तरीके की यूनिवर्सिटी चलती है। जैसे मैं भी ज्ञान पेल रहा हूँ, लग सकता है कि आपको ज्ञान पेल रहा हूँ, पर मैं इसी तरीके ज्ञान पेलता हूँ अगले के चुभे। चुभना जरूरी है, क्योंकि मीठी मीठी बातें चुभती थोड़ी है, वो तो बहलाती है, दिल को बहलाने वाली बातें होती है। तो वैसी बातें मैं नहीं करता, वैसी बातें मैं नहीं करना जानता। अब सुनो FIDI के मैजिकल लेवल, अब घी और आपके गुड़ का काम आने वाला है, पक लिए। अब सुनो, देखो कई बार मैंने आपको एक चीज समझाई है, मार्केट के अंदर जो आपके FIDI होते हैं वो केवल और केवल साइकोलॉजिकल लेवल पर वर्क करते हैं। कई बार मैंने आपको समझाया इस चार्ट के ऊपर, अगर केवल अगर आप अपनी जिंदगी में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर सफल होना चाहते हो, केवल एक चीज पकड़ लो, हजार की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको हजार की जरूरत है ही नहीं, आपको एक चीज पकड़नी है बस, और उस एक चीज के ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि उस एक, आप हजार चीजों में हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर जब जब उस एक चीज की बात आए ना, तो टक्कर देने वाला है इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। उस एक चीज में इतने मायर हो जाओ बस। मैं आप मार्केट के अंदर प्राइज एक्शन पकड़ सकते हो, आप मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ सकते हो, आप मार्केट के अंदर एक ट्रैपिंग जोन पकड़ सकते हो, आप मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन पकड़ सकते हो, आप मार्केट के अंदर एक चैनल पकड़ सकते हो, आप एक चैनल के अंदर माहिर हो सकते हो कि मार्केट के अंदर चैनल किस तरीके से वर्क करती है, या मार्केट के अंदर केवल एक कैंडल, ऐसी एक कैंडल, केवल एक कैंडल, कैंडल आपको 36 तरीके की है मार्केट के अंदर, 36 तरीके की बोलने में नहीं, 36 तरीके की कैंडल है आपके मार्केट के अंदर, आपको केवल 5 कैंडल का ध्यान है। हैमर हो गई, उल्टा हैमर हो गई, ये हो गई, वो हो गई, आपको केवल 5 कैंडल का ज्ञान है, पर मार्केट के अंदर पर डे 36 कैंडल वर्क करती। ठीक है, उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे, पर मैं आपसे केवल एक चीज ये कहता हूं कि जिंदगी के अंदर मार्केट के अंदर सस्टेन होना, तो केवल एक चीज ऐसी पकड़ लो, बस केवल एक चीज, कुछ भी जो आपको ज्यादा समझ में आए केवल वो चीज पकड़ लो, और उसके ऊपर निरंतर वर्क करते हुए चले जाओ। मैं ये कहता हूं जिंदगी में ऑप्शन ट्रेडिंग में पीछे मुंह करके नहीं देखोगे, पर आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है, आपको मार्केट के अंदर हजार तो आपको इंडिकेटर लगाने होते हैं, हजार आपको ट्रेड लाइन लगानी होती है। ये देखो इधर से एक ट्रेड लाइन बन रही है, इधर से एक ट्रेड लाइन बन रही है, जिधर तोड़ेगा उधर ट्रैप कर जाएगा, ले लो बाबा जी घंटा प्रॉफिट। यही तो वजह, आप हजार जगह ध्यान, आदमी का हजार जगह अगर ध्यान भटकेगा तो वो एक जगह सस्टेन नहीं हो सकता। दो नाव में दो पैर लग रख के अगर कोई दो नाव में सवार हो सकता है क्या? एक चीज पकड़ लो बस। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ऑप्शन ट्रेडर मार्केट के अंदर दो जगह वर्क करते हैं, केवल दो जगह। कहां वर्क करते हैं? केवल और केवल साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है? साइकोलॉजिकल लेवल होता है आपका जैसे कि हजार का आंकड़ा, ठीक है, और एक 500 का आंकड़ा। ये दो चीज पकड़ लो, केवल ये दो चीज पकड़ लो, रिजल्ट आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गई, पांच का भाग 10 में दे दो, 2 ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 5 × 2 = 10। पर ये किस तरीके से वर्क करता है? अब साइकोलॉजिकल लेवल आप समझे नहीं होंगे किस तरीके से वर्क करता है। चलो अब ऐसा करते हैं, लाइव बता रहा हूं, कहीं पर भी मैंने कुछ ड्रॉ नहीं कर रखा। देखो इस चार्ट के अंदर आपको
इस चार्ट को कर लेते हैं हम पहले वन डे पर, ठीक है, वन डे पर कर लेते हैं। सिंपल सिंपल समझाऊंगा, सिंपल सिंपल चीज पकड़ना सीख जाओ। ये कर लिया वन डे के ऊपर, ठीक। अब करते क्या है, हमारे पास कौन कौन से साइकोलॉजिक लेवल है, आपको दिख रहा है कौन कौन से साइकोलॉजिक लेवल है? तो हमारे पास साइकोलॉजिक लेवल आ जाता है एक बार, एक तो आ गया हमारे पास 46,000 का, एक हमारे पास आ गया 45,500 का, एक हमारे पास आ गया 45,000 का, एक हमारे पास आ गया 44,500 का। ये चार साइकोलॉजिक लेवल है, इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इन साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर हम यहाँ पर, यहां से लेकर एंड तक जहां तक मार्केट चला है तब तक हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कर रखी है ऑलरेडी, ये लो, ये चार लाइन आ गई। इससे आपको मार्केट के अंदर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में भी आसानी होगी। केवल करना कुछ नहीं है, केवल एक साइकोलॉजिक लेवल पर मैंने लाइन खींची है, बस कुछ नहीं करना। वन डे का चार्ट किया है, ये तो देखो आपका 46,000 का लेवल हो गया, ये 45,500 का हो गया, ये 45,000 का लेवल हो गया, ये आपका 44,500 हो गया, और ये 44,000 का लेवल हो गया। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, चार्ट के अंदर केवल और केवल साइकोलॉजिक लेवल ड्रॉ किया है। ये हजार का आंकड़ा है, ये हजार का आंकड़ा है, ये 500 का लेवल है, ये हजार का है, ठीक है, और ये 500 का है, फिर ये हजार का आ गया, बस ये ड्रॉ किया और कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। बैंक निफ्टी का चार्ट है, इस तरीके से करके देख लेना अपने चार्ट के ऊपर। कुछ नहीं सिखा रहा, कुछ नहीं सिखा रहा, किसी को लग सकता है कि कुछ नहीं सिखा रहा, पर अगर जिसके दिमाग में बैठ गई उसे लगेगा कि हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया, किस तरीके से साइकोलॉजिक लेवल पर आपके एफआईडीआई वर्क करते हैं। अब ले चलते हैं आपको 15 मिनट पर, लग चुकी है हमारी लाइन, अब चलते हैं 15 मिनट के ऊपर क्या सीन हो रहे हैं। देखो, मार्केट अगर कहीं फंसेगा या मार्केट कहीं वक्त बिताएगा तो वो केवल और केवल आपका एक साइकोलॉजिक लेवल होगा, ठीक है। मार्केट अगर कहीं फंसेगा तो वो केवल और केवल साइकोलॉजिक लेवल होगा, मार्केट कहीं टाइम स्पेंड करेगा तो वो केवल और केवल एक आपका साइकोलॉजिक लेवल होगा, मार्केट कहीं रेंज बिताएगा तो वो एक साइकोलॉजिक लेवल होगा, मार्केट कहीं भी रुकेगा तो वो एक साइकोलॉजिक लेवल ही होगा, वो एक साइकोलॉजिक लेवल ही होगा। और मार्केट अगर ट्रैप भी करेगा, ध्यान रखना, मार्केट जब भी ट्रैप करेगा तो वो आपका एक साइकोलॉजिक लेवल ही होगा। कैसे कैसे समझे, किस तरीके से समझे कि एक साइकोलॉजिक लेवल पर ही ट्रैप होंगे? क्योंकि ये आपके एफआईडीआई के सबसे मैजिकल लेवल है, साइकोलॉजिक लेवल। कैसे? देखो, मार्केट साइकोलॉजिक लेवल पे ओपन होता है 45,500 पे, यहीं से एक तेजी दिखाता है, यहीं से एक गिरावट। ये फर्स्ट कैंडल है, इसको तो भूल जाओ, ये फर्स्ट कैंडल है, इसको तो भूल जाओ। साइकोलॉजिक लेवल पर ही ओपन होकर के मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहां पर ट्रेडर को पुट के अंदर बैठाता है, और उसके बाद में इस साइकोलॉजिक लेवल से नेक्स्ट साइकोलॉजिक लेवल तक एक रैली। कौन सी वाली रैली? ये देखो, दिख रही है? एक साइकोलॉजिक लेवल से 45,000, कौन सा वाला? 45,500 से कहां से कहां तक? 44,000 ये 44,000 से 45,000, एक साइकोलॉजिक लेवल से सेकंड साइकोलॉजिक लेवल। ये दो दिन का चार्ट नहीं है, ये सिंगल वन डे का चार्ट है, सिंगल वन डे का चार्ट है। एक ही दिन के अंदर ये मूवमेंट थी, एक ही दिन के अंदर ये मूवमेंट थी। यहां से मार्केट शुरू होता है और यहां से एंड करता है, ये 3 बजे की कैंडल है फिक्स, ठीक है। और बताऊं, अभी ट्रैप को कैसे पकड़ोगे कि मार्केट यहां से ट्रैप करेगा फिर ऊपर जाए? मार्केट इसी तरीके से चलता है, जो आपके एफआईडीआई आपको पहले निकालते हैं मार्केट से, मार्केट से पहले निकालेंगे नहीं तो फिर उनका पैसा कैसे बनेगा? मार्केट अगर आपको निकालेगा नहीं तो उनका पैसा बनेगा कैसे? ये देखो, मार्केट अगर कहीं रुकता है, मार्केट, ये आपकी 1 सितंबर की कैंडल है, फर्स्ट सितंबर का मंथ है, यहीं से मार्केट बिताता है फिर एक साइकोलॉजिक लेवल से, कौन सा वाला? 44,000 से मार्केट कहां तक जाता है? दूसरे साइकोलॉजिक लेवल। दूसरा साइकोलॉजिक लेवल कौन सा आ जाता है? 44,500। एक 5-500 पॉइंट की एक मूवमेंट आप जबरदस्त मिल रही है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसे बोलेंगे कि चार्ट के ऊपर दिखा रहा है ये, मार्केट तो ऑफ है तो कोई कुछ भी कह सकता है। जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल देख लेना लाडलो, और उससे एक दिन पहले इवनिंग के अंदर जो वीडियो बनती है उसके अंदर कंफर्म लेवल देके चलता हूं, कंफर्म लेवल देके चलता हूं कि ये लेवल है और ये हिट होगा। साला पॉइंट गड़बड़ हो सकता है क्या? अगर मैंने आपको बोल दिया 46,311 तो मार्केट के अंदर
पॉइंट की गड़बड़ हो सकती है, 46,310 हो सकता है, 11 नहीं होगा, पॉइंट की गड़बड़ हो सकती है। और इससे पहले जाकर देख लेना, निफ्टी के अंदर मैंने एक इनविजुअल लेवल बताया था 20,093.60 का, ये मेरा मैजिकल लेवल था। मार्केट यहां जाता है और केवल केवल ये 0.60 वाला लेवल गड़बड़ होता है, ठीक। और कल का क्या सोचते हो, जो आपको मैंने साइकोलॉजिकल लेवल दिया था निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने उसी के ऊपर वर्क किया है। अगर आपने गौर से देखा हो तो मार्केट उसी लेवल पर वर्क कर रहा था कल। कल अगर एक अच्छी ट्रेड बननी थी तो मार्केट वहीं वर्क कर रहा था, मार्केट कहीं गया ही नहीं। ये देखो, अगर हम 15 मिनट के ऊपर बात करें तो आप अगर इस चार्ट को गौर से देखो तो मैंने आपको 3 साइकोलॉजिकल लेवल दिए थे। कौन कौन से लेवल थे मेरे, नीचे की तरफ कौन सा था 20,093, उसके बाद में 20,128, उसके बाद में 20,166, उसके बाद में 20,182। हो गया याद? अब सुनो मार्केट कहां गया, मार्केट ने क्या किया, ये देखो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का लो कितना है गौर से बताना, अपने अपनी ईमानदारी से बताना निफ्टी का लो कितना है। ये मेरा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद में ये मेरा सेकंड साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, उसके बाद में ये मेरा थर्ड साइकोलॉजिकल लेवल। आया मजा? आप अगर नए हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, जो मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उनको पता है, उन्होंने देखा है कि मैंने ये लेवल दिए थे। अगर आपको भी समझना है तो आज से 2 दिन पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, ठीक। अब वापस चलते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपका FIDI अगर कहीं वर्क करेगा तो वो पहले आपको ट्रैप करता है, अगर उसे एक अच्छी खासी मूवमेंट देनी होगी। और जब भी FIDI वर्क करते हैं मार्केट के अंदर जब वर्क करते हैं तो उनका सीन ये होता है कि जब भी मार्केट को वो उठाएंगे, बैंक निफ्टी को उठाएंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल से या तो दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल पर लेके जाएंगे, या अगर गिराना चाहेंगे तो दूसरे एक साइकोलॉजिकल लेवल से दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे। FIDI का अगर वर्क आपने पहचान लिया कि FIDI वर्क कब करने वाला है कब नहीं करने वाला, जिस दिन वो वर्क करेगा उस दिन आप डरोगे नहीं, उस दिन आप बैंक निफ्टी के अंदर 200 रुपए की कॉल खरीद के उसको 220 पर नहीं बेचोगे, उसके अंदर आप वेट करना सीखोगे कि नहीं ये 200 की ट्रेड है, आज ये 450 पर बिकेगी, तो बिकेगी साली, जाएगी ही। किस तरीके से कि मार्केट ओपन होता है गैप अप, मार्केट यहां पर आपका एक दिन पहले क्लोजिंग करता है एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, कौन सा था 44,500 का लेवल, 44,500 का लेवल, और मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आकर के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक बड़ी बड़ी कैंडले बनना शुरू करती है और मार्केट को सेकेंड साइकोलॉजिकल लेवल पर लेके आ जाती है। अगर आपने इस मूवमेंट को छोड़ दी कोई दिक्कत नहीं, पर मार्केट जैसे साइकोलॉजिक लेवल पर आ रहा है तो तुरंत मेरे जैसे ट्रेडर के कान खड़े हो जाएंगे, मैं यहां से पकड़ लूंगा भाई साहब, मुझे पता है कि यहां क्या गेम प्लान होने वाला है। मैं यहां पर यह नहीं देखूंगा कि मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर जाना होता तो मार्केट तो पहले 44,800 पे खड़ा था, वहां से नीचे क्यों आया, 300 पॉइंट नीचे आने का कारण क्या था। और फिर पिछले दिन का लो ब्रेक हो रहा है, पिछले दिन का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है, सिंपल सी थ्योरी है। मार्केट अगर कहीं निकलेगा तो साइकोलॉजिकल लेवल से निकलेगा, मार्केट कहीं जाएगा तो किसी साइकोलॉजिकल लेवल से ही जाएगा। 25 का मार्केट का चार्ट देख लो, चाहे कभी का भी देख लो, एक साइकोलॉजिकल लेवल से टूटेगा तो दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल तक आएगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल से जो जाएगा तो दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल जाएगा। ये मैं अलग से अपने लिए चार्ट नहीं बना रहा, ये आप ही के बैंक निफ्टी के चार्ट है जिनको मैं दिखा रहा हूं, और इसी वीक के है, एक एक दिन का चार्ट इसी वीक के वीक का है। ये 23 का जाकर देख लेना साइकोलॉजिक लेवल पर, इस तरीके से लाइन लगाकर देख लेना, दिख जाएगा आपको भी। क्योंकि आप देखो, आप एक्चुअल में करते क्या हो, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके सामने जो ट्रेड होती है ना, जैसे आपने उठा ली 45,000 की कॉल उठा ली, तो आपकी नजर कहां रहती है, इसी के ऊपर रहती है। 200 पे ले ली, 160 जा रही है, 180 जा रही है, 220 जा रही है, इसी पर नजर रहती है। चार्ट के ऊपर तो आप ध्यान देते ही नहीं, पर ध्यान कहां देना, चार्ट के ऊपर ध्यान देना है। और मार्केट के अंदर एक अच्छी मूवमेंट,
एक अच्छी मूवमेंट कहां मिलेगी? केवल और केवल एक साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर मूवमेंट मिलेगी, केवल और केवल एक साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर ही मूवमेंट मिलेगी, वरना कहीं नहीं मिलनी। जाकर किसी भी चार्ट को देख लेना, मार्केट अगर कहीं से गया है तो एक साइकोलॉजिक लेवल से ही गया है, और मार्केट का भी रेंज में फंसा है तो एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास ही फंसा है। केवल इतना सीख जाओ जिंदगी के अंदर कि साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट के अंदर किस तरीके से इंपोर्टेंट है। जैसा कि आपका बैंक निफ्टी के अंदर 500 और 1000 का आंकड़ा वर्क करता है, उसी तरीके से आपके निफ्टी के अंदर कुछ अलग सीन है, इसके अंदर के साइकोलॉजिकल लेवल कुछ अलग है। इसके अंदर आपके 500 और 1000 के आंकड़े वर्क नहीं करते हैं, इसके अंदर दूसरे सीन है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मामले दूसरे रहते हैं, इस वजह से इसके अंदर दूसरे लेवल वर्क करते हैं। आप चाहेंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो और बना देता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसका एक पार्ट और बना देता हूं जिसके अंदर साइकोलॉजिक लेवल निफ्टी वाले भी मैं आपको बता दूंगा। क्या है जिंदगी में, क्या है कि आप लोगों को आप क्या है कि कंफ्यूज ज्यादा हो गए। ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी ऐसी है, जिस चीज की गहराई में उतरना था उसमें तो उतरते नहीं हो, ठीक है, जिस चीज की गहराई में उतरना था उसमें तो उतरे ही नहीं अभी। आप अभी तो केवल आप ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे हो, आपको एक अच्छा इंडिकेटर चाहिए। एक चीज बताओ रे लाडलू, अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो इतने सारे इंडिकेटर है, हम लॉस में क्यों होते? आप इतने सारे यूट्यूबर है, इतने सारे ट्रेडर है, वो लॉस में क्यों होते? और अभी तो न्यूज और आ रही है कि जो आज से 15 दिन पहले ये कहा करते थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, उनके ही कुछ कांड सामने आ रहे हैं। तो ऐसी ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये दुनिया ऐसे ही चलती, तो बस यही है। ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा हल्का लगे, क्योंकि लग सकता है, क्योंकि ये चीज मैं रोज दोहराता हूं ना, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो हो सकता है आपको ये चीज हल्की लगे, पर समझने वाले के लिए हल्की नहीं है। एक साइकोलॉजिकल लेवल किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर इंपोर्टेंट रखता है, अगर आपको ये पता है, और मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है, मार्केट किस तरीके से वहां पर आपको निकालता है, ये देखा आपने? ये 13 तारीख का चार्ट देखना जा करके, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आता है, आने के बाद यहां पर पुट के अंदर पोजिशन बनाई होगी। ऑफिशियल सी बात है, मार्केट पिछले दिन का लो के आसपास खड़ा है, तो ब्रेक लोगों को ये लगता है कि यहां से टूटेगा, अभी यहां से टूटेगा, पर वहीं पर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ एक चाल देता है और दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास पहुंच जाता है। तो मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। मार्केट के अंदर आपको जो दिखाया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है एक्चुअल में वो होता नहीं है, और जो होना होता है वो पता नहीं होता। इसी वजह से तो मैं कहता हूं 10 में से 9 लॉस में है, यही तो कारण है। 10 में से 9 लॉस में क्यों है? क्योंकि वो देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में अगर मार्केट के अंदर अगर कोई पैटर्न बन रहा है, तो ये जो कैंडल बन रही है तो आप लोगों के लिए बन रही है यार, ये FIDI के लिए नहीं बन रही, ये तो आप लोगों के लिए बन रही है। बन क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटा पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जो मार्केट के ऊपर या नीचे की जो चाल होती है उनसे होकर के ये आपकी कैंडल बनती। आपने देखा है आपकी दिल की धड़कन ECG करवाई है, तो कौन बना रहा है? मशीन थोड़ी बना रही है। अरे वो मशीन थोड़ी बना रही है, वो मशीन नहीं बना रही, कौन बना रहा है? आपकी दिल की धड़कन, आपकी दिल की धड़कन बना रही है। वहां क्या उठा पटक हो रही है? धड़कन बना रही है। आपको लगता है मशीन से प्रिंट होके आ गया? अरे नहीं रे लाडलू, ये तो केवल प्रिंट है, ये तो केवल प्रिंट है। एक्चुअल में उस दिल के अंदर क्या खेल चल रहा है ये उसका प्रिंट है, तुम समझते ही नहीं हो। इसके अंदर क्या खेल चल रहा है ये तो उसका प्रिंट है। मेरे लिए तो एक ECG की रिपोर्ट है ये, आपकी ये जो कैंडल स्टिक है ये मेरे लिए ECG की रिपोर्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको देख करके पता चलता है कि मार्केट क्या गुल खिलाने वाला है, इससे देखकर ये पता चलता है कि आपके वो जमूरे क्या खेल दिखाने वाले हैं, वो क्या खेल करने वाले, बस इतना सा है। ECG की रिपोर्ट है, और आप कहां हो? आप इसी ECG की रिपोर्ट को मार्केट समझते हो, इसी ECG की रिपोर्ट को आप मार्केट समझते हो। ये तो रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कब होती है? जब प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है,
तब आपको लगता है कि हाँ मार्केटिंग के अंदर ऐसा भी हो गया, एक तेजी आ जाती है, उसके बाद में बायर्स को पता चलता है यार तेजी आ गई, अब बेचारे की हिम्मत नहीं है मार्केट में यहाँ से बाय करने की, उसे डर लगता है। जो प्रीमियम 50 का वो देख रहा था, वो साला 120 पर ट्रेड कर रहा है, उसको कौन लेगा अब, फटके हाथ में आ जाती है भाई साहब, साला झटके से नीचे 50 पे आ गया तो अब क्या होगा फिर। तो ये वाले सीन है, मार्केट तो बालक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सब।